हाय गाइस, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आरएम ब्लॉग। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आप सभी को लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर दिखाने जा रहा हूं। यह मंदिर जयपुर में तिलक नगर राजस्थान यूनिवर्सिटी मोती डूंगरी के पास स्थित है। इस मंदिर का निर्माण बिरला फाउंडेशन द्वारा 1988 में कराया गया था, इसीलिए इस मंदिर को बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह वीडियो काफ़ी रोचक होने वाला है। आज मैं आपको लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन कराने जा रहा हूं। धीरे धीरे खुलेंगे मंदिर के और भी रहस्य। इस मंदिर के नीचे क्या है यह भी मैं आपको बताऊंगा। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। ये है मंदिर में एंटर करने के बाद का फर्स्ट लुक। वो जो रास्ता देख रहे हैं वो पार्किंग की ओर ले जाता है। परिसर में दुकानें भी बनी हैं। सामने की वे सीढ़ियां मंदिर की ओर ले जाती हैं। कुल मिलाकर करीब 6 से 7 दुकानें यहाँ हैं। ये दुकानें गिफ्ट आइटम से संबंधित है। यहाँ हर तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपको मिल जाएगी, मनकों की मालाएं, हर तरह की बीड्स की ज्वेलरी आपको यहाँ मिल जाएगी। कपड़ों से बने डिजाइनर थैले, इन पर वर्क किया हुआ है, कढ़ाईदार डिजाइने हैं, रंग बिरंगे काफ़ी आकर्षक हैं। रंग बिरंगे स्कार्फ, दुपट्टे, ये सांगानेरी प्रिंट हैं। कई स्कार्फ पर कांच का काम भी किया हुआ है। आइए नेक्स्ट शॉप पे चलते हैं। यहाँ मेटल के छोटे छोटे स्कल्पचर हैं, ये पीतल से बनी मूर्तियाँ हैं। इन मूर्तियों में विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, तो ये सामान इन दुकानों में आपको मिल जाएगा। आइए चलते हैं मंदिर की ओर। ये है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का। मंदिर रोज सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। मंदिर के रास्ते में शंकर जी का स्थान भी बनाया गया है। इसे संगमरमर से बनाया गया है। लक्ष्मी नारायण जी का यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना है। यहाँ काफ़ी मात्रा में विदेशी पर्यटक भी आते रहते हैं। ये मंदिर का शीर्ष है जो कॉस्मिक एनर्जी को आकर्षित करता है। आकाश में लालिमा छा गई है, सूरज के ढलने का समय हो गया है, पूरा दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। ओ, ये क्या है? ये है आकाश में उड़ता हुआ विमान। ये मंदिर के पीछे का भाग है। यहाँ पे लगी है ग्लास पेंटिंग। एक छोटा सा गेट भी है जो बंद है। ये मंदिर का पिछला बायां भाग है। मंदिर के पत्थरों को इस तरह से तराशा गया है। कमल के फूल की पत्तियाँ, बेल बूटे, काफ़ी सुंदर सुंदर छोटी मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। पूरा मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना है। मंदिर की बाउंड्री पर इस तरह से लाइट की व्यवस्था की गई है। ये स्पीकर हैं और इनसे आने वाले भजनों की आवाज़ से भक्तगण भाव विभोर हो जाते हैं। मंदिर में काफ़ी टूरिस्ट होने के बाद भी काफ़ी शांति है। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। मंदिर बहुत ही सुंदर है। मंदिर के सामने इस तरह से मंडप बने हैं। इन मंडपों में मंदिर के संस्थापकों रुक्मणी देवी बिड़ला और ब्रजमोहन बिड़ला की मूर्तियां नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़े हुए लगी हुई हैं। मंदिर भीतर से ऐसा दिखाई देता है। और ये लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा है। गाइस, आप लोग दर्शन कर लीजिए, मन में जयकारा लगाते रहें। गाइस, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, हम सभी क्रोध और ईर्ष्या से मुक्त हों, सदा सुखी हों, सुखी हों, सुखी हों। गाइस, इस मंदिर के नीचे एक म्यूजियम बना हुआ है। इस म्यूजियम में बीएम बिरला परिवार द्वारा संग्रहित कुछ वस्तुएं हैं। म्यूजियम काफ़ी अच्छा है लेकिन कुछ कारणों से अभी बंद है। ये गेट नंबर 2 है। यहाँ जलपान के लिए व्यवस्था है। यहाँ चाय पानी नाश्ता सब मिल जाता है।
यह मंदिर जयपुर सिटी से करीब 6 किलोमीटर दूर है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है और गांधीनगर निकटतम रेलवे स्टेशन है। मंदिर से जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। गाइज, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।